वह विश्वविद्यालय जो 4 सदी तक दुनिया भर में शिक्षा का अलख जगाता रहा, जिसमें प्रवेश के लिए द्वार पर ही विद्वानों के कठिन सवाल से पड़ता था गुजरना, जहां दी जाती थी अध्यात्म, दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, तंत्र विद्या और व्याकरण की शिक्षा, जिसे जलन की वजह से चढ़ना पड़ा मुस्लिम आक्रमणकारी के भेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहारी विहार के इस सेगमेंट में आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के गौरवशाली शहर भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भ्रमण पर, जो भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। बिहार भोजपुरी, मैथिली, मगही, तिरहुत तथा अंग संस्कृतियों का एक मिश्रण है, जहां भागलपुर बिहार प्रांत का एक गंगा के तट पर बसा अत्यंत प्राचीन शहर है। इसका इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर के निकट स्थित चंपानगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती रही है। हम और आपने इसके बारे में किताबों में खूब पढ़ा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी खूब पढ़ा है। दुनिया भर से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, जो अभी के ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी की बराबरी करता था। लेकिन एक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया, जहाँ लाखों के करीब किताबें जलाकर राख कर दी गई। ना ही विक्रमशिला किसी राजा का किला था और ना ही कोई मंदिर जिसे बख्तियार खिलजी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी को कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। तो आखिर क्या वजह थी कि इसे नष्ट कर दिया गया? यही नहीं, आगे और भी बहुत कुछ जानना है, तब तक बने रहें हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की विरासत गौरवशाली रही है। प्राचीन काल से ही शिक्षा में बिहार को एक विशिष्ट पहचान मिली हुई थी। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। प्राचीन काल में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और ना कोई उपाधि ही दी जाती थी। हालांकि मध्यकाल में पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योतिष, व्याकरण और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन होने लगा। टोल पाठशाला, मठ और विहारों में पढ़ाई होती थी। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्भी, औदंतपुरी, जगद्दल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। इसी में से एक था बिहार के भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व में कहलगांव के पास अंतीचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। बंगाल के पाल नरेश धर्मपाल द्वारा 8वीं सदी के अंत और 9वीं सदी के शुरुआत में इस प्रसिद्ध बौद्ध महाविद्यालय की नींव डाली गई थी। यहाँ लगभग 160 विहार थे, जिसे वर्तमान में बौद्ध मठ कहा जाता है, जिनमें कई विशाल प्रकोष्ठ बने हुए थे। यहाँ 100 शिक्षकों की व्यवस्था थी। यह विश्वविद्यालय नालंदा की तरह ही विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। यहाँ के सुप्रसिद्ध विद्वानों में दीपंकर श्रीज्ञान अतीश प्रमुख थे। विक्रमशिला बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय, तत्व ज्ञान एवं व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय को काफी जल्दी लोकप्रियता भी मिली और 12वीं सदी तक यह विश्वविद्यालय विराट शिक्षा संस्था के रूप में प्रसिद्ध था और इस वक्त तक यहाँ कुल 3000 विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। बंगाल के शासक शिक्षा की समाप्ति पर विद्यार्थियों को उपाधि दिया करते थे। मान्यता है कि बख्तियार खिलजी नामक मुस्लिम आक्रमणकारी ने इसी दौरान सन 12वीं सदी के आसपास इसे नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि बख्तियार खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को जलाने की मुख्य वजह जलन थी। माना जाता है कि जब बख्तियार खिलजी जब भारत के सभी इलाके जीतने में लगा था, तो वो बीच में बीमार पड़ गया। कई वैद्य को बुलाने के बाद भी जब वह ठीक नहीं हुआ, तो खिलजी को उस वक्त के नालंदा विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से मिलने को कहा गया, जो वैद्य शिक्षा के ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया, लेकिन उसने राहुल श्रीधर के सामने शर्त रखी कि वो उनके द्वारा दी गई किसी भी दवाई का सेवन नहीं करेगा। खिलजी यहाँ नालंदा और राहुल को चैलेंज कर रहा था, लेकिन राहुल श्रीधर ने भी खिलजी की शर्त मान ली और उन्होंने खिलजी को कुरान के कुछ पन्ने पढ़ने को दिए और कहा, आप इसे पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल ने उन्हें कुरान में दवाई लगा कर दी थी, जो कुरान के पन्ने पलटने के दौरान उनके त्वचा से स्पर्श होकर उनके शरीर के अंदर चला जाता। ठीक वैसा ही हुआ। पन्ने पलटने वक्त खिलजी के शरीर में दवाई जाने से वह वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लेकिन राहुल और नालंदा का शुक्रिया करने के बजाय खिलजी ने यह प्रण ले लिया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जरूर करेगा। इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी द्वारा विश्वविद्यालय को नष्ट करने की मुख्य वजह उसकी जलन
कारण थी कि ये लोग कैसे हर क्षेत्र में हमसे आगे है, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। इसके बाद खिलजी ने सबसे पहले विक्रमशिला से भी विराज नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जहां इमारतों के बीच में एक बड़ा सा पुस्तकालय था, जहां 90 लाख किताबें रखी थी। कहते हैं कि यहां उपनिषदों की ओरिजिनल कॉपी भी रखी हुई थी। और इसी के साथ साथ खिलजी ने बिहार में स्थित विक्रमशिला और उड़ानतापुरी विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी परंपरा सिर्फ एक व्यक्ति के जलन के कारण नष्ट हो गया। बता दें कि वर्ष 1962-63 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1972-73 हुआ, 1974-75 में राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा इस अल्प उत्खनन हुआ, लेकिन खाई से पानी आ जाने के कारण खुदाई को बीच में ही रोक देना पड़ा। वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सेवा यात्रा के दौरान यहां 1 घंटा समय बिताए थे। उनके पहल पर वर्ष 2013-14 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इनका 2 सत्रों में खुदाई कराया। सारी खुदाई में 1300 ईसा पूर्व तक के अवशेष प्राप्त हुए। विक्रमशिला खुदाई स्थल से प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों में कांस्य मूर्तियां, मृद भांड, स्तंभ, मुहरें, मृद मूर्तियां आदि के अतिरिक्त हजारों किस्म की प्रस्तर कला, भवन निर्माण कला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, विभिन्न पशुओं की अस्थियां, नवरत्न की माला, मातृ देवी शिव योगी के विभिन्न रूप, विष्णु, वरुण, ब्रह्मा, कृष्ण, राम, संदीप मुनि आदि, बुद्ध, तारा, बृहस्पति, पुरुरन, उर्वशी आदि की प्रतिमाएं मिली हैं, जो हिमयुग की सभ्यता संस्कृति से लेकर वैदिक युग, रामायण युग, महाभारत युग, सिद्धार्थ बुद्ध तक के साक्ष्य प्रस्तुत करती है। विक्रमादित्य की राजधानी का ऐतिहासिक दस्तावेज 32 आसन अभी भी यहाँ अवशेष के रूप में मौजूद है। प्रस्तुत ग्रंथ विक्रमशिला का पुरातात्विक इतिहास प्राचीन बिहार की सभ्यता संस्कृति का इतिहास ही नहीं है, बल्कि विश्व इतिहास को भी एक नई दृष्टि देने में समर्थ है। और यही वजह है कि आज यह खंडहर में तब्दील हुए विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। अगर आप कभी भागलपुर जाएं तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय खंडहर देखने अवश्य जाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।